बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा के जेवर कस्बे में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत के बाद एक बार फिर अलीगढ़ में जहरीली शराब का जिन बाहर निकल आया। नोएडा पुलिस का दावा है कि तीनों मृतकों ने टप्पल क्षेत्र में एक गड्ढे से मिली शराब उठाकर पी थी, इससे इनकी तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मसले पर तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि जिले में 104 मौतों के बाद भी अफसर जहरीली शराब के कारोबार को नष्ट क्यों नहीं करा पाए। माफियाओं की तरफ से इधर उधर फेंकी गई शराब की पड़ताल के लिए भी खूब अभियान चले थे, लेकिन इतने दिनों बाद भी ये शराब कैसे बची हुई मिली। हालांकि स्थानीय अफसरों ने इस शराब से पल्ला झाड़ लिया है। अफसरों का तर्क है कि स्कैनिंग में ये शराब भट्टा पारसौल क्षेत्र के ठेके की है। सायकाल थाना जेवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेवर से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों की शराब का सेवन करने की वजह से तबीयत बिगड़ी है। इस संबंध में जब विस्तृत जानकारी की गई तो पता चला कि 3 व्यक्ति विजय पुत्र बाबूलाल, जिग्गो पुत्र बाबूलाल तथा विजय पुत्र लाल सिंह, जो कस्बा जेवर के ही स्थानीय निवासी हैं, इनकी शराब पीने की वजह से तबीयत खराब हुई थी और इन्हें जो है इनके परिजनों द्वारा वहां पर उपचार हेतु ले जाया गया। विजय पुत्र लाल सिंह की दिनांक 17/8/2021 को मृत्यु हो गई और शेष 2 व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल तथा वहां से बेहतर उपचार हेतु सफदरजंग अस्पताल जो है रेफर किया गया। दिनांक 18/8/2021 को जो शेष 2 व्यक्ति विजय पुत्र बाबूलाल तथा जिग्गो, जिनका इलाज सफदरजंग में चल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम के संबंध में जो है इनसे और इनके परिजनों से जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उससे फिलहाल यह ज्ञात हुआ है कि 16/8/2021 को ये तीनों जो है ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं और ये टप्पल जनपद अलीगढ़ क्षेत्र में गए थे और वहां पर एक पुराने बम्बे के पास इन्हें जो है शराब के पौवे मिले थे और उसका इन्होंने सेवन किया और वहां से लौटने के उपरांत दिनांक 16/8/2021 को शाम से इनकी तबीयत खराब थी और जब इनके घर वालों ने इनका उपचार का भी प्रयास किया और तबीयत अधिक बिगड़ने पर 17/8/2021 को शाम में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए हैं जहां से इन्हें रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में जनपद अलीगढ़ को भी सूचना प्रदान कर दी गई है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा कस्बा जेवर में भी इसको लेकर जो है डिटेल्ड अवेयरनेस फैलाई गई है कि यदि आपको कहीं इस प्रकार की जो है कोई सामग्री मिले तो उसका अनावश्यक सेवन न करें तथा पुलिस को तत्काल सूचना दें और जो अग्रिम तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नदीम सैफी हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए साहिल, बताना चाहता हूँ कि जो पूरा मामला है जेवर थाना क्षेत्र के जेवर कस्बे का है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं उनकी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, क्योंकि अब से पहले भी अलीगढ़ में इस तरह का जो प्रकरण था उसमें भी जो जहरीली शराब थी उनसे भी पीकर कई लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों तक जो शराब है वो कैसे पहुंची है। हालांकि पुलिस के मुताबिक, पुलिस जो जानकारी दे रही है वो ये बता रही है कि जो तीनों लोग हैं वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं और टप्पल क्षेत्र में गए थे कल दिनांक 16 तारीख को कूड़ा बीनने के लिए। उस दौरान उनको एक बम्बे के पास एक कट्टे में जो है शराब मिली और उन्होंने जो है वहां शराब का सेवन किया। उसके बाद जब ये घर वापस लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, पर इन्होंने इनको जो है पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जहां इनको दिल्ली के लिए जो है रेफर कर दिया और वहां उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। और वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस लगातार जो है इस बारे में जो जानकारी जुटा रही है और आसपास जो लोग हैं उनको भी जागरूक करिए कि इस तरह से जो भी अगर शराब उनको कहीं पाई जाती है तो उसका सेवन ना करें। जी चलिए नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।